श्री सीताराम गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। सनातन संस्कृति में पाठ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ पाठ अत्यंत प्रचलित हैं, जिसमें से एक पाठ श्री दुर्गा सप्तशती का भी है। भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति हो, समस्या निवारण की बातें हों, अथवा आध्यात्मिक उन्नति की चर्चा हो, किसी भी परिप्रेक्ष्य से अगर हम श्री दुर्गा सप्तशती को देखें तो उससे लाभान्वित ही हुआ जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब कुछ प्रश्न आते हैं कि मैं दुर्गा सप्तशती का इतनी संख्या में पाठ करता हूँ या इतने वर्षों से पाठ कर रहा हूँ, लेकिन वैसा लाभ नहीं मिल रहा जैसा लाभ दुर्गा सप्तशती के संबंध में साधकगण कहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दुर्गा सप्तशती पर शाप की भी बातें आती हैं, तो जब तक शापोद्धार उत्कीलन आदि से संबंधित बातों को हम नहीं समझेंगे तब तक दुर्गा सप्तशती के वैसे परिणाम घटित होते हुए नहीं दिखते। दुर्गा सप्तशती में जो मुख्य रूप से 13 अध्याय का पाठ होता है उसके पहले कवच अर्गला और कीलक की भी बातें आती हैं, इनके भी साधकगण पाठ करते हैं। उनमें कीलक की बात करें तो कीलक के संबंध में आज का ये वीडियो कीलक को ही समर्पित है, तो कीलक के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो कीलक के संबंध में कहा जाता है कि कीलति बंधनाति अनेन इति कीलह स्वार्थे कन, यानी मंत्रों के फल की सिद्धि में जो अवरोध उत्पन्न करता है, ये बाधा उत्पन्न करता है, व्यवधान डालता है, उसी शाप को या उसी अवरोधक को हम कीलक कहते हैं। यानी एक तरीके से हम समझ लें अगर कि ये जो कीलक स्तोत्र है या जो कीलक है ये एक तरीके का या विशेष प्रकार का शापोद्धार है। देखिए, एक तो सामान्य शापोद्धार है जो कुछ मंत्र आदि हैं, लेकिन कीलक एक विशिष्ट प्रकार का शापोद्धार है। और इस शापोद्धार को जब हम समझेंगे, क्योंकि कीलक की एक परिभाषा ये भी होती है कि जिसके द्वारा बांधा जाए, रोका जाए, उसे कील या कीलक कहते हैं। तो यानी ये अवरोधक है। इस अवरोधक को अगर हम समझ लेते हैं तो दुर्गा सप्तशती हमको पूरी तरह से लाभ देने लगती है। कुछ प्रश्न यहाँ उठते हैं। एक तो ये कि हम जब सुनते हैं कि तांत्रिक मंत्रों पर या अमुक स्तोत्र पर इस देवता का या शिव जी का, ब्रह्मा का, वशिष्ठ का, विश्वामित्र का शाप है, तो ऐसा शाप का कारण क्या है? देखिए, दुर्गा सप्तशती के शाप के संबंध में दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये कारण है कि भगवान शिव को या ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र प्रभृति ऋषियों को ये लगा कि कलयुग में इसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए शाप की स्थितियां हैं। शाप का मतलब यह है एक तरीके से इसको आवरणबद्ध कर देना। यानी सामान्य व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बहुमूल्य वस्तु है तो आप उसको घर में लॉकर में सुरक्षित रखते हैं, अपनी सड़क पे नहीं रख देते। क्यों? क्योंकि जो अनाधिकारी जन है वो उसको न ले लें। जो आप या आपके घर के विशिष्ट सदस्य होंगे वही वो लॉकर खोल सकते हैं और निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जो साधनात्मक उन्नति प्राप्त व्यक्ति हैं जिनके संबंध में गुरु संतुष्ट हो जाता है कि ये दुरुपयोग नहीं करेंगे, उनको इसकी विधान, इसकी तरीके बता देता है कि कैसे इसको पकड़ना है, कैसे इसे लाभान्वित होना है। एक तो ये कारण है। और दूसरा कारण ये है, एक कथा भी आती है कि जब चंडी स्तोत्र यानी कि दुर्गा सप्तशती बहुत प्रचलित हो गया तो ज्ञान कांड, तंत्र कांड और ब्रह्म कांड यानी कि आध्यात्मिक संबंधी चर्चा, तंत्र संबंधित विज्ञान या ज्ञान संबंधी जो औपनिषदिक चर्चाएं थीं, इनका प्रभाव कम होने लगा। तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इसको कीलित कर दिया या बांध दिया। इसके संबंध में कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जो दुर्गा सप्तशती के कीलक की उपेक्षा करते हैं यानी इसकी महत्ता नहीं समझते, उनको सिद्धि नहीं मिलती, और जो कीलक का पाठ करते हैं या कीलक को समझ लेते हैं उनको इसका लाभ होता है। आज कीलक के संबंध में कई विशेष चर्चाएं करेंगे। एक तो ये कि वर्तमान में जो कीलक उपलब्ध है, गीता प्रेस ने जो प्रकाशित किया है उसमें 14 श्लोक हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कुंजिका में भी कहा था उसी तरीके से कीलक के भी कई सारे पाठ भेद हैं। जो वर्तमान में प्रचलित है उसमें 14 श्लोक हैं, कुछ इसके पाठ होते हैं उसमें 17 श्लोक हैं। एक तो ये, और जो सामान्य रूप से कीलक प्रचलित है इसमें कीलक के अधिष्ठात्री जो स्वरूप हैं भगवती का, उसका ध्यान नहीं है, और जबकि कीलक का ध्यान भी होता है। एक और दूसरा, कीलक का जो विनियोग है उसमें भी पर्याप्त भिन्नता है। तो मैं दो कुछ मुख्य मुख्य बातें कह देता हूँ। जैसे वर्तमान में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित जो कीलक है,
यहाँ मैं चर्चा करूँ उसके पहले एक बात बता दूँ, मैं स्वयं भी जो पाठ करता वो दुर्गा सप्तशती का वो गीता प्रेस वाला ही करता, यानी गीता प्रेस से प्रकाशित जो दुर्गा सप्तशती है उसी का पाठ करता। इसलिए मेरा परामर्श ये भी होगा कि इन सारी चर्चाओं के अंतर्गत आप भी जो पाठ स्वीकार करें वो गीता प्रेस वाला ही करें, वो बहुत प्रामाणिक है। तो दो तरीके के इसके विनियोग प्रचलित हैं। एक जो गीता प्रेस वाला विनियोग है वो है ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोग। शिव ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, महासरस्वती देवता हैं, भगवती जगदम्बा के प्रसन्नता के लिए सप्तशती के पाठ के अंग रूप में इसका जप किया जा रहा है या इसका पाठ किया जा रहा है। यहाँ दो बातें और समझनी है, जबकि हम केवल शापोद्धार की चर्चा कर रहे हों तब ये सप्तशती के पाठ के अंग के रूप में नहीं लिया जाता, यानी तब हम केवल श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम जपे या पाठे विनियोग कह सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से इसको हम जब संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तभी इसका पाठ भी करते हैं। तो एक तो विनियोग ये है, और दूसरा विनियोग जो है थोड़ा गोपनीय प्रकृति का होता है, वो ये है कि ओम अस्य श्री कीलक स्तोत्र महामंत्रस्य विशुद्ध ज्ञान रुद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः दश करणिका देवता कम बीजम लम शक्ति इम कीलकम मम देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ये एक दूसरा विनियोग इसका तंत्र ग्रंथों में प्राप्त होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए जो पहला वाला विनियोग है वही वो करे। अच्छा, इसके साथ ही कीलक की जो अधिष्ठात्री शक्ति है उसका जो ध्यान है वो कुछ इस प्रकार से है कि हेम प्रभम सोम कलावतंसम पाणी स्फुरत पंच शरेशु चापम प्राण प्रियम नौमि पिनाक पाणे कोणा त्रयस्थम कुल दैवतः स। ये भगवती का दिव्य स्वरूप है, तो इसको समझना पड़ेगा। जब तक हम कीलक को समझेंगे नहीं तब तक इसका लाभ नहीं हम ले पाएंगे। जैसे कि कीलक में ही कहा जाता है कि अगर अष्टमी को या चतुर्दशी को हम दान प्रतिग्रह करण की प्रक्रिया अपना लेते हैं तो शापोद्धार हो जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी है कि शापोद्धार की बहुत सारी विधियाँ विभिन्न विभिन्न तंत्र ग्रंथों में दी गई हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति ऐसा क्या प्रक्रिया अपना ले जिसमें शापोद्धार हो जाए। उसमें शापोद्धार की एक सरल सी विधि मैं बताता हूँ, वो कीलक के अंतर्गत ही है। करना क्या है, किसी भी अष्टमी के दिन या किसी भी चतुर्दशी के दिन आप आपके पास जो भी संपत्ति है, अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है। अब अचल संपत्ति के संबंध में एक प्रश्न हो सकता है कि भाई अचल संपत्ति को हम कैसे ले जा सकते हैं, तो अचल संपत्ति के जो कागज हैं जिससे आपका स्वामित्व सिद्ध होता है उन सारी कागजों को, और जो चल संपत्ति है सोना चांदी पैसा FD जो भी इस तरीके की आपकी चीजें, ये सब एकाग्र भाव से पूर्ण समर्पण भाव से भगवती के आगे आप समर्पित कर दें। आप स्नान आदि से पवित्र होकर के अष्टमी या चतुर्दशी के दिन जो पूजन सामग्री उपलब्ध है उससे पूजन अर्चन करें, और जो आपके पास सारी संपत्तियां उपलब्ध हैं वो आप भगवती को समर्पित कर दें और कह दें माता मेरे पास जो कुछ है सर्वस्व मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, मैं आपकी शरण में हूं और मैं कुछ नहीं जानता। ये एक बहुत प्रामाणिक और बहुत लाभकारी प्रक्रिया है। उसके बाद वहीं एकाग्र होकर बैठे रहें और ऐसी भावना करें कि माता आपसे कह रही हैं कि अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए इस धन को मेरे प्रसाद के रूप में स्वीकार करो, और ऐसी भावना करके आप उस धन को पुनः स्वीकार कर ले। हाँ, दो बातें ध्यान रखनी है। अब ये आपका जो समस्त धन है ये भगवती का प्रसाद है, तो आप इसका गलत जगह पे दुरुपयोग नहीं कर सकते। अपनी जिम्मेदारियों का इस धन से निर्वहन करें, धर्म में इस धन को लगाएं। तो अगर ऐसा कर लेते हैं और फिर उठा के अपने सुरक्षित जगह पे धन को रख लें, तो अगर ऐसा कर देते हैं तो दुर्गा सप्तशती का स्वतः ही आपके लिए शापोद्धार हो जाता है, उत्कीलन हो जाता है। तो उत्कीलन की जो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, शापोद्धार की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें एक सर्वाधिक सरल प्रक्रिया एक ये भी है और तंत्र ग्रंथों से ये प्रमाणित है।
अगर आप बहुत ज़्यादा शापोद्धार में नहीं पढ़ना चाहते, कीलक में नहीं पढ़ना चाहते, तो सामान्य तौर पर कवच अर्गला कीलक का पाठ करके 13 अध्याय का पाठ करें और एक बार इसको, इस प्रक्रिया को अपना लें। और अगर एक से अधिक बार अपनाना चाहें तो वर्ष में एक बार इसको अपना लिया करें, या एक बार भी जीवन में अगर अपना लेते हैं तो आपके लिए सदा सर्वदा के लिए दुर्गा सप्तशती शाप मुक्त हो जाती है। तो आप कीलक का आशा है कि अर्थ समझ गए होंगे और कीलक के पाठ भेदों की एक संक्षिप्त चर्चा की है। मूल बात यह है कि दुर्गा सप्तशती के अगर लाभ लेने हैं तो कीलक के रहस्य को समझना पड़ेगा, इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझना पड़ेगा। सीताराम।